हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगा जल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फ़ैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों ये फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओ पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगा जल को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरीप्राइव से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगों भू भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतशीर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई पी आभार मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनो कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आई जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह अपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश आ कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ टी टी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी यह फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म इ, ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो, करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिस ने भी काम किया है बात का टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर डोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फ़ैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली जुली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन superbly संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व तो और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभा मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बी एन सिंह जिसका रोल प्रकाश जा कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए एस पी होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जयगंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इसका अगर इस फिल्म इ, ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो, करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक, एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली जुली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व तो और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धागो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभार मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनाद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्रनील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका ना, जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रामाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वह अपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश झा कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म इ, ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो, करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फ़ैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों ये फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओ पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरीप्राइव से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगों भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतशीर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई पी मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रीडेंटेड ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एस नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वह आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म इ, ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो, करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिस ने भी काम किया है बात का टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर डोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फ़ैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म आ, क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फ़िल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व तो और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभा मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्रनील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बी एन सिंह जिसका रोल प्रकाश आ कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए एस पी होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जयगंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये फ़िल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों ये फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओ पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगा जल को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भू भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभार मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्रनील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रामाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वह आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश जा कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन्स के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगा जल की अपराध गंगा जल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरीश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली जुली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन superbly संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभा मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रीडेंटेड ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एस नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वह आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी यह फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म इ, ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो, करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिस ने भी काम किया है बात करने का टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंज तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था

5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर डोट एन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म आ, क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली जुली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन superbly संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व तो और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभा मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रीडेंटेड ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनो कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्रनील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नज़र आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बी एन सिंह जिसका रोल प्रकाश आ कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए एस पी होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल तीन तीस का टोटल बजट 330 मिलियन था और इस फिल्म ने बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस के ऊपर मिलियन का कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर डोटन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फ़ैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों ये फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओ पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगा जल को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई पी मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रीडेंटेड ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नज़र आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रामाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही हैं को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वह अपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश जा कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो आ, मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से YouTube चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म आ, क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली जुली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी प्राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सीजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन ढागो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभा मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एस नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वह अपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह अपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी यह फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिस ने भी काम किया है बात करने का टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर डोटेन टमाटोज ने 30% परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फ़ैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली जुली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन संपे संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व तो और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विद सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभा मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रीडेंटेड ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विना कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्रनील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बी एन सिंह जिसका रोल प्रकाश आ कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए एस पी होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी यह फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म आ, क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविजन पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन संभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व तो और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धागो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभा मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्रनील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रामाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही हैं को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वह अपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश जा कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरीश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर डोट टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओटीटी पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगाजल को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली जुली थी और बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व तो और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरी से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन ढागो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बुनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई आभा मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रीडेंटेड ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह अपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी यह फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इसका अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों तो करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिस ने भी काम किया है बात करेंगे टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंज तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो चार मार्च दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम एक मिनट की है और जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर डोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म आ, क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये फ़िल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों ये फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविजन की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओ पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगा जल को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पांच में से दो दशमलव पांच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरीप्राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धागो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विद सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई पी मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रीडेंटेड ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्रनील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बी एन सिंह जिसका रोल प्रकाश आ कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए एस पी होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी यह फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से YouTube चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल जल की अपराध गंगा का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मन्रंजी... तो मनोरंजनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म फिल्म रूप से सफल रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फ़ैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों यह फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म एमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहां पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविज़न पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओ पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगा जल को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी स्टोरीप्राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे तो पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई पी मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रीडेंटेड ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नज़र आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रामाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही हैं को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वह आपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह आपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश जा कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए ASP होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी ये फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुँचेगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैडम के फैन हैं और अपराध ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म जय गंगा जल से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म गंगा जल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म जय गंगा जल यह फिल्म इस अगर इस फिल्म ये जो सेंटेंस वर्ड है जय गंगा जल इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हों करें तो गंगा गंगा जल की जय हो तो यह फिल्म 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है यह फिल्म 2003 की अपराध गंगाजल की अपराध गंगाजल का अनुवर्ती है और इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है जबकि झा सहायक भूमिका में है इसमें मानव कॉल राहुल भट्ट और क्वीन हरिश ने भी काम किया है बात करें अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है प्रकाश झा ने जबकि पटकथा और कहानी को भी उन्होंने ही तैयार की है फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रभा प्रकाश झा और मिलिंद दबके के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा और मानव कॉल हैं फिल्म को छायांकित किया है सचिन के कृष्णन ने और इस फिल्म को संपादित किया है संतोष मंडल ने फिल्म में संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया गया है प्रकाश झा इंटरटेनमेंट और प्ले इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म के वितरण की बात करें तो मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट प्ले के द्वारा इस फिल्म को वितरित किया गया है फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2016 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया फिल्म का टोटल बजट 330 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चार मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी बात करें इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने जो वोट दिया उसके हिसाब से फिल्म को क्या रेटिंग मिला तो दोस्तों इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई पर दर्ज की गई है और इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रोटेन टमाटोज ने 30 परसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं बात करें इस फिल्म के यूजर्स पसंद की बात तो 82 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप प्रियंका चोपड़ा मैडम के फ़ैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्मों क्राइम एक्शन फिल्म क्राइम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है ये अगर बात करें तो दोस्तों ये फिल्म ओ के प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध कराया गया है आप भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की बात करें तो यह फिल्म अभी तक टेलीविज़न पर इस फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है लेकिन इस फिल्म का जैसे ही प्रीमियर टेलीविजन पर होने वाला होगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम तक पहुँचेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे फिलहाल यह फिल्म ओ के ऊपर उपलब्ध है आप ओ पर विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को देख पाएंगे फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था अगर उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जय गंगा जल को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी और बॉलीवुड हंगामा ने पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा और इसमें पटकथा आकर्षक छायांकन सभ्य संपादित सराहनीय और संवाद बेहतरीन बताया गया अभिनय के मामले में प्रियंका चोपड़ा ने बेहतरीन अभिनय किया है चाहे वह उनकी बेहतरीन और त्रुटिहीन टाइमिंग हो या उनका डरने वाला स्क्रीन व्यक्तित्व और उपस्थित उपस्थिति लेकिन झा अपने किरदार की बारीकियों और बारीकियों को समझने के लिए खुद को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करते हैं राजीव मंसद ने फिल्म को पाँच में से दो दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और इसे एक सामान्य स्टोरी राइट से भरा हुआ पूर्वानुमानित पुलिस ड्रामा बताया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा का अभिनय बहुत ही ज्यादा आकर्षक था टाइम्स ऑफ इंडिया की स... श्रीजिला दा, मित्रा दास ने 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दिया और उन्होंने संवाद डायलॉग्स और संपादन कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा यह महत्वपूर्ण समकालीन धांगो भूमाफिया अग्र भ्रष्ट नेता दलाल पुलिस टूटे हुए किसानों को झा की सतर्कता न्याय के बारे में स्थायी चिंता के साथ एक कहानी बनता है जो कि आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा तो दोस्तों अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ओ पर यह फिल्म आपको देखने के लिए विथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है उससे पहले हम इस फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म का जो संगीत है वो सलीम सुलेमान ने तैयार किया है और जबकि गीत जो है वो मनोज मुंतसिर ने लिखे हैं प्रकाश झा ने नजर तेरी रा, राजा ये वाला जो गाना है उसके अतिरिक्त गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल 11 गाना रखे गए हैं और इसमें से कुछ गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अधिकारी का रोल कर रही हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा आई पी मा, माथुर का रोल कर रही हैं प्रकाश झा इस फिल्म के अंदर ड्यूटी सस्पेंडेड ऑफ पुलिस सुप्रिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल कर रहे हैं जो कि भोला नाथ सिंह उनका नाम होता है कृष्णन इस फिल्म के अंदर किशन करमकर ने रामाकांत चौधरी का रोल किया है मानव कौल विधायक बबलू पांडे के रूप में दिखे हैं बबलू पांडे के रूप में आप विनोद कामत को देख पाएंगे मुन्ना मरदानी के रूप में मुरली शर्मा ने काम किया है वहीं पर राहुल भट्ट इस फिल्म के अंदर पवन राघव का रोल कर रहे हैं सुनीता के रूप में वेगा तामोटिया ने काम किया है सुनीता के भाई नागेश के रूप में आप आयुष महेश खेदेकर को देख पाएंगे जगत सिंह सोलंकी अमरीकी अमरीक तिवारी के रूप में काम कर रहे हैं और इंद्र नील भट्टाचार्य आईजी मिथिलेश कुमार आईपीएस के रूप में दिखाए गए हैं प्रणय नारायण इस फिल्म के अंदर रत्नाकर का रोल करते हुए नजर आए हैं बाकी बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कहानी बीकानेर जिले की बीकानेर जिले के विधायक बबलू पांडे जिनका नाम जिसका रोल मानव कॉल कर रहे हैं और उनके भाई बबलू पांडे जिसका रोल नीनाद कामत कर रहे हैं अपने शहर लखीसराय में लखीसराय में राज जंगल राज चला रहे होते हैं वे एक बिजली संयंत्र के लिए ज़मीन हड़पना चाहते हैं जिससे वित्त पोषक उनकी पार्टी का राजनैतिक रूप से समर्थक कर रहे हैं गृह मंत्री रमाकांत चौधरी जिसका रोल किरण कामकर कर रहे हैं आभा माथुर आईपीएस जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा कर रही है को एक एसपी नियुक्त करता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपराधियों के प्रति नरम रहेगी और उनका समर्थन करेगी क्योंकि वह उनकी गुरु होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं हालांकि वह अपराधी भाइयों के खिलाफ पूरी तरह से उतर जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साहसी कार्यों से उनके अधीनस्थ प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल राज को समाप्त करने करते हैं और भोलानाथ सिर्फ भोलानाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह जिसका रोल प्रकाश आ कर रहे हैं एक भ्रष्ट सर्कल ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के ए होते हैं अब कहानी आगे जो मोड़ लेती है उसी के ऊपर इस फिल्म की थीम को रखा गया है यहाँ से जैसे ही वो मंत्री जैसे ही वो मंत्री इन्हें वहाँ पे भेजते हैं गुंडों के साथ काम करने के लिए लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाती है तो आगे उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बदले उसे क्या क्या चीज़ें चुकानी पड़ती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर मेन तरीके से दिखाई गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म आपके लिए ओ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध कराई गई है यूट्यूब के ऊपर भी यह फिल्म फिलहाल में उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें